मैंने सुबह से ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं, और अब हम सब लोग अपने अपने रास्ते निकल गए हैं, और हम लोग, मैं, अंकिता दीदी, पापा मम्मी, धीरेश जी और दीदी, हम सब आगरा जा रहे हैं। दीदी हेलो कर दीजिए। हेलो। तो दीदी 2-3 दिन से पूरा ट्रैवल कर रही हैं, अकेले आई हैं बच्चों के साथ, और ये बैठी चुटंगू हेलो कर दो। हेलो। वो टायर्ड है, कल फंक्शन भी, और इनका बच्चों के थोड़ा खाना पीना भी आगे पीछे हो जाता है, तो वो थोड़े से क्रैंकी हो जाते हैं, बट स्टिल अरे वाह शर्मा रही है। तो बस हम आगरा जा रहे हैं, मैं दीदी से मैंने बताया, भैया हैं और ये मामा जी हैं ना बड़े वाले, उनकी दीदी हैं और भैया पीछे, और जिनकी इंगेजमेंट हुई है वो सबसे छोटे भैया हैं, तो वो चले गए मामा मामी जी के साथ अपने घर। बस हम लोग अब आगरा जाएंगे, देखते हैं आगरा का मैं क्या क्या शूट कर पाऊंगी। थक गई हैं दीदी? थक गए। चलिए मिलते हैं। देखो हन्नू कैसे देख रही है, हाय कर, हेलो कर दो। नहीं बैठे धीरेश जी अपना फोन देख रहे हैं एज यूजुअल। बस गाइस हम लोग सब लोग आगरा आ गए हैं, काफ़ी गर्मी थी, जल्दी जल्दी हमने लंच, मैंने, मम्मी ने बोला था पुलाव बना लो सिंपल, तो बस पुलाव बनाया था हमने सबने, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो हम सब ने फिर लंच किया, आम वगैरह कट कर लिया था, और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी सब थके थे और टाइम मिला नहीं। और ये अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, मम्मी वहाँ बैठ के मुझे सब्ज़ियाँ कट करके दे रही थी, और अंकिता दीदी और प्रिया दीदी अंदर लेट के बात कर रहे थे, आप देख ही सकते हो साइड से दिख रहा होगा आपको। तो बस अपने यार बहुत टाइम बाद अपने कज़िन से मिलो तो बात करने का मन करता है, तो बस यही सब डिनर वगैरह बन रहा था, फिर हम लोग सब ने जल्दी जल्दी डिनर बनाए, ये था कि चलो जल्दी बन जाएगा खा लेंगे तो जल्दी फ्री होके सब बात करेंगे। तो ये देखिए मम्मी यहाँ पे बैठी हैं और भिंडी कट करके मुझे दे रही थी, मैंने ऑलरेडी टमाटर आलू अलग बना लिया था और लौकी भी बना ली थी, शाम का डिनर सबको हल्का ही करने का मन था और मम्मी भिंडी काट रही थी, और ये रिदांश अपने बाबा के साथ बैठ के भुट्टा खा रहा था, और पीछे आपको टेबल पे दिख ही रहा होगा माइक्रोवेव के बगल में कितनी मैस हो रखी है मिठाइयों का डब्बा वगैरह, और ये हन्नू मैडम सारे ब्लॉक्स ला ला के डाइनिंग टेबल पर रख रही थी, और ये और रिदांश दोनों मिल के ऐसे घर फैला रहे थे ना जैसे भूकंप आ गया हो। तो आप देख सकते हो बच्चे मिलते हैं तो यही सब करते हैं, और ये तो काफ़ी छोटे हैं, और ये रही गुन्नू डांस कर रही है, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, और हन्नू उसको कॉपी करी थी, इन दोनों ने प्रिपेयर किया होगा यार। हम लोग भी जब छोटे थे दादी नानी के पास जाते थे तो अपना इस तरीके की हम लोग भी डांस दिखाते थे, और रिदांश को आप देखो पीछे स्कूटर चलाता हुआ ये दिख रहा था, और हन्नू को ना स्कूटर से बार बार डरा रहा था। तो बस यार बॉयज़ ना थोड़े ऐसे ही होते हैं, गर्ल्स थोड़ी सिंसियर होती हैं, तो बस ये हन्नू और वो डांस कर रही हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं यार, और ये गुन्नू तो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है, और ये अंकिता दीदी बैठी हैं मौसी जी बच्चों की, और ये बैठ के इनका डांस देख रही हैं और डांस दिखा रहे हैं। भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनति बारंबार, पवन सुत विनति बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो। हाँ क्या खा रहे हो आप लोग? गुन्नू क्या खा रहे हो? हम लोग बेड़ई और जलेबी। ये आगरा का फेमस मशहूर नाश्ता। क्या खा रहे हो गुन्नू? मैं खा रही हूँ आगरा का मशहूर नाश्ता, बेड़ई और जलेबी और सब्जी। कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। और दही भी खा लो दीदी। दही और जलेबी। दीदी आपको कैसा लगा? अभी दीदी ने खाया नहीं है ना, तो दही ले लीजिए और ये मामा भांजी को खिलाते हुए। दीदी ये अंदर इसमें वो मिक्स होता है। गाइस आपने देखा ही था कि हम सब ने काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था, बेड़ई जलेबी काफ़ी हैवी होती है, तो दोपहर में सिंपल कढ़ी चावल आलू बने थे जो कि दीदी ने बनाए थे, कढ़ी और आलू, आलू फ्राई तो दीदी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया था, तो बस यही मिलजुल के काम हो रहा था। मैंने जल्दी जल्दी राइस बना दिया था, रोटी सबका मन नहीं था,
और कढ़ी एक्चुअली सबको पसंद है इस वजह से बन रही थी और यही आप देखो। और आज शाम को हम लोग को नोएडा के लिए वापस निकलना था और दीदी निकलती अपने घर के लिए, प्रिया दीदी, अंकिता दीदी रुक गई थी, तो बस यही सब काम चल रहा था। तो बच्चों को यार तीनों लोग लगे हुए थे, ये प्रिया दीदी बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हैं, बच्चे खेलते रहते हैं और बीच में पानी मांग रहे कुछ, और वहाँ मम्मी बैठी हैं आप देख ही सकते हो। तो बस यार काफ़ी बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया साथ में। और ये गुन्नू आप देख सकते हो एलिफेंट लेके आई है, कुछ बोले तो हम लोग दीदी बोल रहे थे अंकिता दीदी यहाँ मत आओ गैस के पास। तो बच्चों को बचाना पड़ता है यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओपन किचन है आगरा की आप देख ही सकते हो। तो बस यही सब चल रहा था, मस्ती मजाक, और यह काम मिलजुल के करने में कितना मज़ा आता ना, बातें भी चलती एक दूसरे की, खिंचाई भी चलती है। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है गुन्नू? अरे वाह, इधर लंच हो रहा है। लंच बनी है कढ़ी चावल और टमाटर आलू की सब्जी चोखे वाली एंड सूखे आलू, खा रहे हैं सारे मिलके कचालू। और वहाँ पर है मैंगो, वो भी मलियावादी। क्या हुआ? अरे दीवाली इतनी ज्यादा सुंदर लगी तो दिल दीवाल अच्छी लगी तो चिल्ला क्यों रही हो? अरे इतनी सुंदर दीवाल लगती है शुरू से ही। गाइज मैंने आपको बताया कि मुझे नोएडा निकलना था और दीदी को, प्रिया दीदी को उनकी ट्रेन थी, वो भी जा रही थी। तो बस ये कोंच डालते हैं, कोंचा बोलते हैं बहुत लोग यूपी, वेस्टर्न यूपी में जब भी लड़की या बहू घर से जाती है तो उसकी गोद भरी जाती है, चावल दिए जाते हैं, बताशे, कुछ मीठा लिफाफा। सबसे पहले आपको पैर में महावर लगाना होता है, तो दीदी ने बहुत थोड़ा सा लगवाया था क्योंकि यार फैल जाता है गर्मी के दिनों में, और शूज़ वगैरह पहनना होता है इस वजह से। तो पहले मैंने उनको लगा दिया था, देन उनके बाद उनको सिंदूर से पहले मांग भरते हैं, देन ये चावल वगैरह देते हैं और फिर आशीर्वाद लेते हैं। तो बस यही हो रहा था, दीदी को जाना था। तो ये हर बार ही ट्रेंड होता है, मैं अंकिता दीदी को करती हूँ, प्रिया दीदी मेरी शादी के बाद पहली बार आई थी तो बस यही कर रही थी। तो बस हम नोएडा के लिए निकल गए हैं, ये एक्सप्रेस वे की मैंने क्लिप ली थी और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, वैसे रात तो नहीं हो रही, 7:30 बज रहा था। और प्रिया दीदी को एक्चुअली अपने यहाँ निकलना था, हम नोएडा निकल आए थे। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, कैसा लगा आपको व्लॉग? और आपने एंगेजमेंट वाले व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।